हाँ चिराग, कैसे हो? हाँ, मैं अच्छा हूँ। तुम जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है, आता हूँ, लेकिन कहाँ आना है? हेलो हेलो, अरे बता तो सही, कहाँ आना है और कब आना है? हेलो, देखो मेरे फ्रेंड का फोन आया और उसने बोला कि जल्दी आ जा। कहाँ आना है, कब आना है वो पता नहीं है। अगर आप वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स हो और आप हर बार जीतते हो, लेकिन इमेजिन कि अगर आप जहाँ खेल रहे हो वहाँ पे गोल पोस्ट ही नहीं है, तो एवरीवन, दिस इज कृष्णल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब भी नया साल स्टार्ट होता है तो उसके साथ ये डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि गोल कैसे सेट करें, क्यों गोल सेट करें, कैसे गोल को अचीव करें। तो गोल सेटिंग के ऊपर मैं दो वीडियोस देने वाला हूं। इस फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि गोल क्यों जरूरी है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्स को कैसे अचीव करना है। गोल्स आर वॉट टेक अस फॉरवर्ड इन लाइफ। गोल्स हमारे ड्रीम के लिए ऑक्सीजन की तरह है। आप चाहे कोई मुसाफरी कर रहे हो या आपका कोई प्रोजेक्ट हो, आप कोई काम कर रहे हो, तो उसके सभी जो स्टेप्स होते हैं, उसको स्टार्टिंग का या फिर लास्ट का, एंडिंग का, वो सभी आप गोल में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हम ये गोल्स का, गोल सेटिंग का जो इम्पोर्टेंस है, वो जितनी जल्दी हमारी लाइफ में रियलाइज करके उसको अप्लाई करें, उतना ही हमें बेनिफिट रहेगा। एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, इफ़ यू एम एट नथिंग यू विल हिट इट एवरी टाइम, then if you aim at something you will hit it every time, and if you aim at your goals you will hit it every time। तो आपको decide करना है कि आपका goal रखे या nothing रखे या something रखे। तो मैं आज आपके साथ पांच reasons discuss करने जा रहा हूँ कि क्यों goal setting important है। बट उससे पहले मैं आपको एक सर्वे बताना चाहता हूँ कि 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के MBA स्टूडेंट्स के ऊपर एक सर्वे किया गया था। उसमें जाके स्टूडेंट से पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने गोल सेट किए हैं, तो सरप्राइजिंगली 84% स्टूडेंट्स के गोल ही नहीं थे। 14% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके गोल्स तो थे लेकिन कोई पेपर के ऊपर लिख के कोई प्लानिंग नहीं था कि किस तरह से उनको अचीव करना है। ओनली 3% स्टूडेंट्स ही ऐसे थे जिनके गोल्स उन्होंने पेपर पे लिख के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ सभी स्टेप लिख के फाइनल किए थे कि किस तरह से उनको अचीव करेंगे। आफ्टर 10 ईयर्स यानी कि 1989 में उसी सभी स्टूडेंट्स के ऊपर फिर से सर्वे किया गया, तो उनके साथ जब कंपैरिजन की गई तो जो 14% स्टूडेंट्स थे जिनके गोल्स थे बट कुछ प्लानिंग नहीं था, उनकी अर्निंग जो बाकी के 84% स्टूडेंट्स थे जिनके पास कोई गोल नहीं था, उनसे डबल थी। एंड सरप्राइजिंगली जो 3% स्टूडेंट्स थे विथ वेल प्लान्ड गोल्स, उनकी अर्निंग्स बाकी 97% स्टूडेंट्स को सभी को इकट्ठा करके उनसे कई गुना ज्यादा थी। तो क्वेश्चन होता है ऐसा क्यों, तो उसके पांच रीजंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट रीजन, गोल्स गिव यू फोकस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि चाहे आप बेस्ट फुटबॉल प्लेयर क्यों ना हो बट आपके पास गोल पोस्ट ही नहीं होगी तो आप कहाँ पे गोल करोगे। उसी तरह जब आप कोई गोल फिक्स करते हो तो आपके माइंड को एक डायरेक्शन मिल जाती है। विदाउट फोकस ऑल योर एबिलिटीज एंड टैलेंट्स आर यूजलेस, इट इज पॉइंटलेस एंड वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। आपने सुना होगा कि अपने गोल्स को लिख के रोज उनको पढ़ो और उनको अपनी आंखों के सामने रखो, तो उसका रीजन ये है कि अगर आप अपने गोल्स को लिख के उनको देखोगे तो आपके माइंड को एक राइट डायरेक्शन मिलेगी फोकस करने के लिए, और आप किसी रॉन्ग डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। एंड दिस इज द सेकंड रीजन ऑफ गोल सेटिंग, गोल्स आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते। थर्ड रीजन, यू कैन मेजर योर प्रोग्रेस। अगर आपने कोई गोल या टारगेट सेट किया है तो आप उसको डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे मेजर करके ये फाइंड कर सकते हो कि आप कहाँ पे हो, कितना कंप्लीट हुआ और कितना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मुझे एक महीने के अंदर 200 पेज की एक बुक लिखनी है, तो मुझे उस 200 पेजेस को एक महीने के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा डेली एक्टिविटी के रूप में। इससे मैं अपनी डेली प्रोग्रेस चेक कर सकता हूँ एंड इट हेल्प्स मी फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड दिस इज द फोर्थ रीजन, अगर आपके पास एक मेजरेबल गोल या टारगेट है जो आपको एक फिक्स टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, तो आप अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, आप अपने आप को पुश करते रहोगे वो काम करने के लिए। आपका बड़ा गोल आपके स्मॉल डेली टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको मोटिवेशन देगा, और तभी आप अपना 100% दोगे उस गोल को अचीव करने के लिए। एंड दैट इज द फिफ्थ रीजन ऑफ गोल सेटिंग, गोल्स आर सिंपली द टूल्स टू फोकस योर एनर्जी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड एज वी नो, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड सक्सेस कम्स। सी, अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। आपने शायद कोई गोल सेट किया हो या फिर आप कोई गोल सेट करना चाहते हो या फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशन में आपने कुछ सेट किया हो, देन कनेक्ट देम विद दिस फाइव रीजंस एंड ट्राई टू अप्लाई द सॉल्यूशंस व्हिच आई डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। मुझे मालूम है कि ये सब बोलने में बहुत ही ईजी है लेकिन अप्लाई करने में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आपको अगर कोई डिफिकल्टी आती है ये सब अप्लाई करते समय तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
और उसमें से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप उसको लाइक कीजिए और अपने सारे कॉन्टेक्ट्स में शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट मेरे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिलती रहे।